नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम केवल जीरो यूनिट सोल्ड 9 इंपॉर्टेंट कार्स जून 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी प्राइसेस कोट करूंगा वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं जून के महीने में एक भी गाड़ी, एक भी यूनिट ना बिकने वाली 9 इंपॉर्टेंट गाड़ियों के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आई है होंडा की जैज। जून के महीने में पूरे भारत में जैज की एक भी यूनिट नहीं बिकी है। होंडा जैज के BS6 अपडेट का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है। उसके आने के बाद शायद हमें कुछ अच्छे आंकड़े देखने को मिल जाएं। फिलहाल एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8 लाख रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये तक की मिल जाती थी। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है महिंद्रा की TUV 300 and 300 Plus। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की जीरो यूनिट बिकी है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से यह गाड़ी आपको 8,55,000 रुपये से शुरू होकर 11,30,230 रुपये तक की मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की S-Cross। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की जीरो यूनिट बिकी हैं। आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा कि मारुति ने अभी तक ऑफिशियली इसे डिसकंटिन्यू करने का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से हम ये मानकर चलते हैं कि S-Cross के BS6 अपडेट का काफ़ी लंबे समय से हर कोई इंतज़ार कर रहा है। अगर वो आ जाता है तो उसके आने के बाद में शायद हमें कुछ बेहतर आंकड़े देखने को मिल जाएँ। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से S-Cross आपको 9 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 12 लाख रुपए तक की मिल जाती थी। इस लिस्ट में पूरे भारत में 6ठे पायदान पर आई है महिंद्रा की थार। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की भी जीरो यूनिट बिकी हैं। नेक्स्ट जनरेशन थार का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है, उसके आने के बाद शायद हमें कुछ अच्छे आंकड़े देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से यह गाड़ी आपको 9,51,933 रुपीज़ से शुरू होकर 9,99,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है दोस्तों महिंद्रा की मराजो। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की भी जीरो यूनिट बिकी हैं। महिंद्रा को मराजो में काफ़ी सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। इसकी कमियों पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। मराजो के BS6 का अपडेट भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है, उसके आने के बाद हमें मराजो के सेल्स फिगर में शायद कुछ बेहतर आंकड़े देखने को मिल जाएं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 14,75,000 रुपये तक की मिल जाती थी। इस लिस्ट में पूरे भारत में 4थे पायदान पर आई है टाटा की हेक्सा। जून के महीने में पूरे भारत में हेक्सा की जीरो यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से हेक्सा आपको 13,70,000 रुपये से शुरू होकर 19,30,000 रुपये तक की मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में 3रे पायदान पर आई है फोक्सवैगन की T-Roc। जून के महीने में पूरे भारत में T-Roc की जीरो यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से T-Roc आपको 19,99,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे भारत में 2रे पायदान पर आने वाली कार के बारे में, जो कि फिर से एक बार फोक्सवैगन की तरफ से है, जिसका नाम है टिगुआन। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की जीरो यूनिट बिकी हैं। वहीं मई के महीने में ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी क्योंकि इसकी 30 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 33,12,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों और बात कर लेते हैं नंबर 1 पायदान की। तो इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर 1 के पायदान पर आई है महिंद्रा की Altroz G4। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की भी
0 यूनिट्स बिकी हैं। वैसे तो ये बहुत ही बेहतरीन और केपेबल कार है दोस्तों, लेकिन इस गाड़ी का एक ही प्रॉब्लम है कि ये महिंद्रा के अंडर, महिंद्रा के लोगों के अंडर बिकती है। अगर इस गाड़ी को किसी और कंपनी ने, जैसे कि टोयोटा या फिर फोर्ड ने बनाया होता, तो आई एम श्योर कि इसके आंकड़े कुछ और कहानी बयान कर रहे होते। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 28,69,000 रुपीज़ से शुरू होकर 31,69,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। कुल मिलाकर ये थी वो 9 इम्पॉर्टेंट गाड़ियाँ जो जून के महीने में 0 यूनिट सोल्ड कार्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।